पंचायती राज भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां वास्तविक हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, वहीं कर्मचारी अपने परिवार और चहेतों को लाभ दिलाने के लिए सभी नियम कानून को दरकिनार कर देते हैं। घूसखोरी तो इतनी बढ़ गई है कि शासन की हर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ऐसे घूस मांगी जा रही है जैसे कर्मचारी अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हों। ताजा मामला जवा जनपद पंचायत के बड़ाच ग्राम पंचायत का है, जहां के सैकड़ों ग्रामीण एकत्र होकर रोजगार सहायक ज्योति राज त्रिपाठी के ऊपर आवास योजना का लाभ देने के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। वहीं कोई कार्यवाही ना होने के चलते ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत की। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक ज्योति राज त्रिपाठी अपनी बेटी को आवास योजना का लाभ देने के लिए 14 वर्ष की उम्र में ही आईडी अलग कर दी और आवास योजना दे दिया है। इतना ही नहीं, चाचा का बेटा जो 16 वर्ष का है उसकी भी आईडी अलग बनवा कर आवास योजना का लाभ दे रहा है, जबकि ग्रामीणों से 10,000 प्रति आवास वसूल रहा है। कई बार शिकायत की गई, भ्रष्टाचार की जांच हुई, लेकिन जीआरएस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके चलते उसके हौसले बुलंद है। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने की गई शिकायत और रोजगार सहायक की मनमानी के संबंध में क्या जानकारी दी है। भैया आप कौन सी पंचायत से हैं और क्या नाम है आपका? बड़ास से है। हमारे यहाँ ग्राम रोजगार सहायक ज्योतिराज त्रिपाठी हैं। उनका क्या है कि हर किसी योजना के लिए एक निर्धारित व्यवस्था बन गई है, बिना घोष के कोई काम नहीं करते हैं। वो जनपद अटैच होते हैं तब पर भी पासवर्ड वही चलाते हैं सचिव को मिला जुला के और मनमानी काम करते हैं। उनकी स्थिति ये है कि उनने अपनी 14 साल की लड़की श्रद्धा त्रिपाठी की भी आईडी अलग कर दिया है प्रधानमंत्री आवास यान योजना का लाभ देने के लिए, जबकि शासन के गाइडलाइन में लड़की या तो पिता के साथ, विवाह के बाद पति के साथ, लेकिन उसका 14 साल की लड़की का स्वतंत्र अलग आईडी हो गया। इसकी हमने लिखित शिकायत दिया है जनपद में। हमने यहाँ भी कई बार इन लोगों से जो पैसा लिया गया इसके लिए हम लोगों ने नोटरी हलफनामा बना के भी दे चुके हैं, और इसी तरह अपने चाचा के लड़के का भी आईडी अलग कर दिया है 16 साल की उम्र में बिना शादी विवाह के। सारी योजनाओं की सारे नियम को ताक में रखे वो मनमानी सारा काम। बच्ची की आईडी अलग करने की क्या योजना के तहत उनने अलग की है? 14 साल बच्ची अगर बालिग नहीं है तो उसका आईडी से अलग होना तो नहीं होना चाहिए, नियम तो यही कहता है, लेकिन उनने उसको निजी शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए, चाहे शौचालय का हो चाहे आवास का लाभ में जोड़ने के लिए, उनका अलग कर दिया है। मनमानी है, जबरदस्ती नहीं। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं तो कलेक्टर साहब से अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, प्रयास करेंगे, मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे।